हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी है खुटहन में और सामने आप लोग देख सकते हैं ये है थाना खुटहन। और आपको बता दें आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आपको बता दें जौनपुर ज़िले के अंतर्गत जितने भी थाने या फिर यूपी में जितने भी थाने होंगे हर थाने में काफ़ी भव्य तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाए जा रहे हैं और उसी तरीके से हमारे खुटहन थाने में भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है काफ़ी धूमधाम से। पिछली बार भी मैंने आप लोग को अपनी वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया था, इस बार मैं फिर आप लोग को अपनी वीडियो के माध्यम से अपडेट दूंगा। आइए दिखाते हैं, सारा टूर करवाते हैं किस तरीके से पूरा खुटहन थाना जगमगा रहा है और खुटहन चौराहे पे भी कुछ गुब्बारे की दुकानें, कुछ छोटी छोटी आकर्षित करने वाली दुकानें लगी हुई हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आप लोग अगर खुटहन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देखना ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको खुटहन चौक पर लेके चलते हैं, फिर उसके बाद पूरा नज़ारा दिखाते हैं आखिरकार किस तरीके से पूरा खुटहन थाना सजा हुआ है। फाइनली दोस्तों अभी हम चौक पे मौजूद हैं अपने खुटहन चौराहे पे और अगर हम यहाँ से बात करें खुटहन थाने से तो खुटहन थाने की तो खूबसूरती काफ़ी अच्छी दिख रही है। सामने आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ है और आज कैमरे में वो सारी डेकोरेशन मैं कैद करूँगा। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सीधा शाहगंज के लिए रास्ता चला जाएगा और अगर हम इधर रास्ते की बात करें इधर साइड की तो ये रास्ता सीधा जौनपुर के लिए चला जाता है और अगर हम इधर रास्ते की बात करें तो ये सीधा अब बल्लापुर होते हुए आप इलाहाबाद के लिए निकल सकते हैं। और अगर हम बात करें इस तरफ रास्ते की तो जो ये रास्ता है ये सीधा समोदपुर पट्टी नरेंद्रपुर और आप बिजेटुआ धाम के लिए भी निकल सकते हैं इस रास्ते से। तो ये खुटहन चौराहे के कुछ यही खास बात है। तो बाकी अभी आपको हमने यहाँ का नज़ारा तो दिखाया है, बाकी अब हम चलेंगे सीधा खुटहन थाने में विजिट करेंगे, देखेंगे आखिरकार क्या कुछ वहाँ पर भव्य तरीके से जागरण का कार्यक्रम रखा गया है और कौन कौन कलाकार आज उपस्थित हुए हैं वहाँ पे। चलिए सब कुछ दिखाते हैं आपको। तो आप लोग सामने देख सकते हैं ये थाना खुटहन, देख रहे हैं किस तरीके से जगमगा रहा है। साइडों में आपको डेकोरेशन दिखाई दे रहा होगा और इधर देखिए सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और सामने देखिए ये है मेन गेट थाना खुटहन। लेकिन सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे आज तक हमने देखा है कि ट्रक टेढ़ी हो जाती है फसक जाती है लेकिन ये थाना खुटहन का बोर्ड अभी तक चेंज नहीं हुआ। ये हमारे खुटहन के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, शायद मुझे लगता है पेड़ का कोई टहनिया इस पर गिर गया होगा इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, मैंने पिछले भी वीडियो में एक बार जिक्र किया था इसका, तो ये आप देख सकते हैं। और चलिए अंदर चलते हैं अब हम। Thank you.
ये हमारे एरिया के कैमरामैन हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये लोग खाने पे लगे हुए हैं, काम कम खाने पे ज़्यादा ध्यान है। नहीं अभी हम थोड़ा सा कवर कर लें फिर मिलते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर, मल्टी टैलेंटेड कलाकार हमारे भाई शिवम दुबे जी हैं। मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा आप सबसे। बहुत अच्छा व्यंजन बजाते हैं, कीबोर्ड भी बजाते हैं और भजन भी गाते हैं। ये हमारे लिए, हमारे इसको डांस क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप जो है अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे घर परिवार में आए हैं, आपका स्वागत है, वंदन है। और हमारे भाई पीलू शर्मा जी जो कि बहुत ही अच्छे पैड बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, इनके लिए मैं चाहूंगा कि मीठी मीठी तालियां हो जाए हमारे पीलू शर्मा जी के लिए। और छोट में जो हमारा भाई बैठा हुआ है सबसे बीच में, छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करता है, मल्टी टैलेंटेड है, हारमोनियम भी बजाता है, भजन भी गाता है, पैड भी बजाता है, तबला भी बजाता है, सब कुछ बजाता है। हमारे इस कुटाई क्षेत्र में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, इतने कलाकार हैं कि शायद किसी जिले में उतने कलाकार होंगे जितने हमारे खुटान क्षेत्र में हैं। लेकिन लक्ष्मण चौधरी जी का आगमन हुआ, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और सुंदर से भजनों के माध्यम से आप सबसे जुड़ते हैं, आप सबका प्यार आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन कैसे जय जय गजानन देवा करूं मैं तेरी सेवा, जय जय गजानन देवा करूं मैं तेरी सेवा, पति के करे गोविंदा सुनो सुनो जय जय करो जय जय देवा।